गुड मॉर्निंग एवरीवन, आदाब सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स की, और हमने शुरुआत किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें हमने शायद दो लेक्चर कर लिया है। तो जो पहले लेक्चर था, सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो हमने कहा था कि ऐसा इक्वेशन जो फॉर्म में हो ax plus by plus c equal to 0, यानी जो x और y का जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम इंडिसेस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है, और जो x और y के कोफिशियंट a और b जो थे वो रियल नंबर होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आए थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर आप किसी बुक में देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वहां दो हम ऐसे लीनियर इक्वेशन लेते थे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले लिया x plus y equal to 10 और x minus y equal to 2। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे तब जब x और y के कुछ वैल्यू के लिए इन दोनों के मान क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, 10 आए। उसी x के मान को अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसी तरह कुछ और भी वैल्यू हो सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकते हैं या एक वैल्यू भी हो सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इन दोनों इक्वेशन को कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो अगर जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो एनालिसिस कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहां दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो सकते हैं। तो चूंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि दो ही हम लीनियर इक्वेशन की बात करने वाले हैं, तो जब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो इसमें ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उसके एटलीस्ट 1 वैल्यू ऐसे होंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन को। यानी कि कहने का यह मतलब है कि जब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन लेते हैं, अगर उनके कम से कम यानी कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होने ही चाहिए। तो देखिए, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि x plus y equal to 10 और x minus y equal to 2। अब इसमें अगर x की वैल्यू आप 6 रखिए और y की वैल्यू 4 रखिए, तो देखिए 6 plus 4 equal to 10 और 6 minus 4 equal to 2, यानी एटलीस्ट 1 इक्वेशन तो हमें, 1 सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पोर्शन की, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे दो इक्वेशन जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी कि अगर उन्हें हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो वो एक दूसरे को कभी क्रॉस ही ना करें, इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं आप, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सॉरी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, यानी कि इसके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि x और y के ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलने चाहिए जो दोनों इक्वेशन को क्या करते, सेटिस्फाइड करते। जैसे अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हैं, y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये तो 3 मिलेगा, लेकिन यहां रखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 2 6 होता है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ और कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर यहां 0 लेते हैं और यहां 3 लेते हैं, अगर यहां 0 और ये 3 लेते हैं तो 0 plus 3 equal to 3, लेकिन यहां करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 ही मिला, 7 तो मिला नहीं। यानी कि ये ऐसे इक्वेशन है जिसके पास x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि
इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या कहे जाएंगे, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।